इनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि ये इसी तरह खिलते रहें और हरे भरे रहें, इनमें फूल आते रहें और जिस तरह इनमें फूल आ रहे हैं उसी तरह हम सभी के और आप मेरे दोस्त जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के जीवन में भी फूल, खुशियों के फूल खिलते रहें, ये ईश्वर से कामना है। तो इस तरीके से हम एक दूसरे को विश कर सकते हैं और अपनी प्रकृति को विश कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ही हमें जीने का आधार देती है। इस प्रकृति में जितने पौधे होंगे अगर वो फलेंगे फूलेंगे तो हम डायरेक्टली उससे प्रभावित होते हैं, इसलिए पौधों का सबसे पहले सही रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं अपने पौधों पर, जब ये लाइटिंग हो रही है तो मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मेरे पौधे भी खुश हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से हम अपने पौधों को और अपने को सुरक्षित रखते हुए अपने जीवन को बहारों से भरते रहेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी को पुनः एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय दोस्तों। हैप्पी दिवाली दोस्तों, मैं मीना पांडे हल्द्वानी से आपको आज दीपावली की शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही इस झीने झीने से मौसम में, जबकि हल्की सी संध्या हो रही है, अपने पौधों का नज़ारा दिखाती हूं। देखिए, ये हमने माला लगा दी है और माला लग करके जो लाइटिंग करने के बाद पौधों के ऊपर जो उसकी चमक पड़ रही है उससे पौधे और भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से बागवानी के साथ दिवाली की शुभकामनाएं और
साथ आप सभी को पुनः एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय दोस्तों। बाहर जाऊ चल मैं क्या।